हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 25 मार्च 2023 और अभी हम हैं विकास नगर में। आप कहोगे कि यार ऋषिकेश से सीधे विकास नगर क्यों पहुंच गए अचानक, बिना बताए, कैसे, क्या मामला है? तो मामला ये है कि विकास नगर से हम कर रहे हैं शिफ्टिंग, तो हमारा सारा का सारा सामान यहीं पर पड़ा हुआ है। एक साल हो गया जी हमें, एक साल से ज़्यादा हो गया। क्यों भाई, एक साल ज़्यादा हो गया ना? नवरात्रों में ही गए थे, पिछले साल नवरात्रों में गए थे और आज जो है नवरात्र ही चल रहे हैं, तो ऐसे जो है एक साल हो गया। और यहाँ पे एक दिन के लिए तो मैं आया था, मतलब इस एक साल के अंदर एक दिन के लिए आया था मैं, ताला वाला खोल के और फिर एक रात सो के यहाँ और फिर ताला मार के फिर चला गया था। तो बाकी एक साल से कमरा बिल्कुल बंद था हमारा, सारा का सारा सामान बिल्कुल बंद था। और अभी हमने ऋषिकेश में घर लिया है ना, तो सारा का सारा सामान हमें वहाँ पर शिफ्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर आए थे शिफ्टिंग के पर्पज़ से, देखा देखा तो सारे के सारे उसमें जो है ना वो अजीब सी जो स्मेल सी हो जाती है ना, बंद कमरे की जो स्मेल होती है वो उमस वाली, वो वाली भरी पड़ी है सारे कपड़ों में। कपड़े उपड़े दीप्ति धो रही है, इसने जो है सारे के सारे कपड़े झकोल गए रहे है नहीं भाई। बेचारी बहुत मेहनत कर रही है कि वहाँ जाके धोवेंगे, उससे बढ़िया यहीं धो लो, बदबूदार कपड़े ले जाने का क्या फ़ायदा है, साहब टांग गए रहे यहाँ पे। तो ये विकास नगर के हमारे लास्ट नज़ारे देख लो, इनमें भी ये गत्ते के डिब्बे थे ना, ये गत्ते वाले जितने भी ये गत्ते के डिब्बे थे सब में उमस भर गई और सब में सीलन विलन सी हो गई थी, अजीब ही स्मेल सी मार रही थी, सबको धूप में घेर दिया। और ये हमारा घर देख लो जहाँ पे हम रहते थे पहले किराए पे, तो ये ऊपर जो है ना दो कमरे थे दोनों, तो हमारी एबसेंस में अंकल जी ने, मकान मालिक ने, ये सीढ़ी बना दी ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर जो है रेलिंग बना दी। यहाँ पे एक टॉयलेट हुआ करता था, एक टॉयलेट यहाँ पे हुआ करता था जहाँ ये साइकिल खड़ी है ना, ये वाला जो एरिया इसके यहाँ पे लेफ्ट राइट में हुआ करता था। तो एक टॉयलेट तोड़ के इन्होंने दो टॉयलेट बना दिए। और अभी मैं आपको अंदर का भी नज़ारा दिखा दूँ, ये सारा का सारा ऐसे देखो कैसे पड़ा हुआ है। हम जो ना किचन का सारा सामान यहाँ रख के गए थे ताला मार के, आराम से सब ऐसा कैसे रखा मिला है। तो अभी कुछ तो हमने कर दिया है काम, मतलब पैकिंग वैकिंग कर दी है, पैकिंग चली रही है और बाकी धीरे धीरे कल तक बिल्कुल साफ हो जाएगा सब। ये थी हमारी किचन और किचन में दीप्ति ने लगा दी वॉशिंग मशीन और ये कपड़े कपड़े धोए जा रही है। ये फ्रिज है, फ्रिज चल रहा है क्या? चलाया था नहीं चलाया ना। अच्छा, वॉशिंग मशीन भी ना एक साल बाद चली है, तो अभी जब हमने चलाई ना थोड़ी देर पहले तो बड़े चिंगाड़े से मार रही थी, चै 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 कर रही थी, अभी ठीक चल रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि दीप्ति के बरस चल रहे हैं नवरात्रों के, ये बिचारी भुक्की है, भुक्की प्यासी लगी पड़ी है काम में, तो मैं इसको सलाम करता हूँ, सलाम सल्यूट है रे, ओए सल्यूट है तुझे। और ये हमारे यहाँ से ना नज़ारे दिखते थे, वो चकराता मसूरी वाले पहाड़ है, वो शिव जी का मंदिर है, वहाँ कभी जाना ही नहीं हुआ। कौन सा मंदिर है वो, ध्यान नहीं, दिमाग से उतर गया नाम, मैं अभी दिमाग से उतर गया, मटोगी के ऊपर है वो, बड़ा फेमस मंदिर है मसूरी की तरफ, जाना नहीं हुआ बिल्कुल भी। और ये सारे के सारे गेहूँ के खेत हैं जी, इधर से दिखाऊं, अच्छा किधर, हाँ ये सारे के सारे गेहूं के खेत हैं जो अभी पके भी नहीं है। और आप लोग एक चीज़ डेफिनेटली पूछोगे, अगर नहीं पूछोगे तो पूछनी चाहिए, पूछो अभी वीडियो पॉज करके पूछो कि भाई जब किचन विचन में सेट नहीं है बिल्कुल भी और किचन का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो खाने का कैसे कर रहे हो? तो खाने का हो रहा है हमारा पड़ोसी के यहाँ पे, तो अभी लंच का बुलावा आ गया है, उन्होंने खाना बना लिया, मैं चलता हूँ, दीप्ति खाना नहीं खाएगी तो दीप्ति नहीं चलेगी। ये है जी, ये अपनी डिस्कवर खड़ी हुई है, कल आ गए थे हम ऋषिकेश से यहाँ पे, डिस्कवर खड़ी कर दी, कल फिर यहाँ से निकल जाएंगे पैकिंग वैकिंग करके। ये आम का पेड़ है, आम पे बोर आया हुआ बढ़िया वाला, ओले वगैरह यहाँ पे पड़े नहीं है, लेकिन अप्रैल में यहाँ ओले पड़ा करते हैं, तो उम्मीद है कि ओले पड़ेंगे भी और आम जब बच भी जाएगा। और ये हमारे पड़ोसी है केपी, ये कुल्ला करते घूमते रहते हैं। अच्छा खाना बन गया जी? हाँ जी बढ़िया, चलो तो भगवान जो है ऐसे पड़ोसी सबको दे, एक धोरे से लाइन लगा दे भगवान और सबको ऐसे ऐसे पड़ोसी बांट दे। क्या बना दिया? दाल चावल और कढ़ी, कुछ मीठा भी दे दो, अचार मीठा भी दो भाई, कुछ लो भाई के भी खाओ। चलो जी लंच हो गया, ओ बहुत ज्यादा खा लिया, अब धूप निकल रही है बढ़िया वाली और अब आएगी नींद, लेकिन सोना बिल्कुल मना है क्योंकि काम इतना सारा फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। और आज हमें सारा का सारा सामान पैक करके, मतलब पैक कर देना है, कल यहाँ से निकल जाना है। तो अब आप लोग पूछोगे कि हम विकास नगर आए क्यों थे, तो उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ, ये एक कहानी सुनाता हूँ, आपको कहानी सुननी पड़ेगी। ऐसा हुआ अक्टूबर 2019 में जब मैंने नौकरी छोड़ी ना दिल्ली मेट्रो की,
तो उस टाइम मेरे पास एक सरकारी क्वार्टर हुआ करता था वहीं दिल्ली में शास्त्री पार्क में। नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने का टाइम मिला क्वार्टर खाली करने का, तो दिसंबर 19 में हमने वो क्वार्टर कर दिया खाली। तो यहाँ पे विकास नगर में हमारे बहुत बढ़िया दोस्त थे झा साहब, वो रहते थे, उनके साथ बढ़िया आना जाना था, बढ़िया बातचीत थी। और मैं उससे पहले हम कई बार यहाँ विकास नगर आए भी थे, घूमते घामते इधर उधर से आते जाते निकल के जाया करते थे। तो हमें विकास नगर की ये लोकेशन वगैरह पसंद थी। तो जिस मकान में हम अभी रह रहे थे, इस मकान में झा साहब रहते थे, फिर उन्होंने यहीं बगल में अपना दूसरा अपना मकान अपना घर बना लिया, वो उधर शिफ्ट हो गए, ये खाली हो गया। उन्होंने कहा खाली है वो, आ जा इसमें ही। तो हमें मतलब बिना मेहनत करे, बिना ढूंढे, बिना भाग दौड़ करे ये मिल गया और हम विकास दिल्ली से शिफ्ट होके सीधे विकास नगर आ गए। ये कहानी थी हमारी विकास नगर आने की। उस टाइम सोचा ये था कि विकास नगर रहेंगे 1-2 साल, फिर पहाड़ों में कहीं पे ऊंचाइयों में बर्फीली गुफाओं में कहीं पे कहीं ज़मीन उमीन ले लेंगे और अपना कुछ बना लेंगे और उधर शिफ्ट कर लेंगे। फिर बस ऐसा ही हो गया, कोरोना आ गया, कोरोना है, फिर हम ऋषिकेश शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहाड़ों में जाने का सपना अभी के लिए पोस्टपोन हो गया है। फ्यूचर में हम कभी ना कभी पहाड़ों की ऊंचाइयों में बर्फीली गुफाओं में ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास बहुत सारा सामान ऐसा है जो हम दिल्ली से पैक करके लाए थे और वो 3 साल बाद आज भी ऐसा का ऐसे ही पैक हुआ रखा है। बहुत सारा सामान है, अभी हमने अलमारियों में खोल खोल के देखा, पता चला बहुत सारा सामान ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है। तो बढ़िया बात यह होगी हमें वो सामान पैक ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ऐसा का ऐसे ही उठा के ऋषिकेश ले जाएंगे। और बिस्तर अलग कर दे छाट के, और चुहे वाले कपड़े हैं जो पहने कपड़े ही अलग कर दे, बिस्तर अलग कर दे और पहनने के कपड़े अलग कर दे। ये देखो अंकल जी चाय लेकर आ गए। अंकल जी क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? कौन है? हैं? कौन है? मैं ही हूँ, दीपक को बता रहा, मेरे को लग रहा है। अंकल जी को लग रहा, पता नहीं मैं किसको दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। गाड़ी गुड़ी ना करिए, अभी देख लेंगे गाड़ी का भी। नहीं वैसे क्या सोचा है? 407। ये है जी हमारे मकान वाले का अंकल जी। चाय सेवा। क्या मिला? ये कागज जो मैं तेरे लिए बनाती थी, ये विश ए हैप्पी बर्थडे नीरज जी रिटर्न सोप द डे। ये कब का था? ये तेरे बचपन का था जब हमारी, नहीं ये कब का था? ये तेरे बचपन का था जब हमारी शादी हुई थी, उस टाइम का बचपन का। ये दीप्ति ऐसे बनाती थी, नीरज जी कहती थी उस टाइम तो इज्जत से। और ये अच्छा, ये देखो जी, ये हमारे कावड़ का फोटो है। मैं कभी कावड़ लेने गया था। मैं कौन सा हूँ इनमें से? पहचाना जी इनमें से मैं कौन सा हूँ? मैं हूँ ये ये वाला, और ये सारे के सारे हमारे गांव के ही हैं, दबतवे के। और ये मेरे ख्याल से 2014-15 का है, पता नहीं कब का है। वो कितना सूखा हुआ करता था मैं, बिल्कुल कुपोषण। हरिद्वार का फोटो, हरिद्वार। एक पुरानी डायरी सी मिली है, इसमें 21 जनवरी 2017 का हिसाब है। कहाँ का है वो? ऑटो रिक्शा अंडमान का है वो, अंडमान का है वो। पिछले पिछले पेज पे देखता हूँ, हाँ सेलुलर जेल का टिकट 60 रुपये का, ये रहा। तो मेरी याददाश्त अच्छी है। अंडमान के ट्रिप, ऐसे हम खर्चा लिखा करते थे, अब तो हम कोई खर्चा ही ना लिखते, ना हमारा खर्चा होता। 10 रुपये की चाय, 20 रुपये का पानी, 40 के पनीर पकौड़े, 20 की पूरी सब्जी। ये बता कौन है?
ये मुझे नहीं पता कौन कौन है, मुझे पहचान में नहीं आ रही। या तो प्रिया पिलिया, ये कौन है? या कौन है? सानू लग रही है। ये कौन है? ये तो हर्षित लग रहा है। हर्षित तू भी है कहीं? कुपोषित सी? ये तेरे पापा है। अब तू दिखाना अपना यारी। कुपोषित 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 नहीं दी। देख अब दिखा, देख कुपोषित। ये देखो जी, यही है। दीप्ति के खजाने में से आज निकल रहे पुरानी पुरानी चीजें। लाइट भागी और जो है बारिश हो रही है बढ़िया। बाहर जो ओले भी पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं ना भाई? हाँ। और ये देखो पड़ोसी की तरफ से आया है, कुछ आया है और वो बता रहे हैं कि ये मेरे लिए, क्योंकि दीप्ति का तो भरत है, तो भरत का सौदा नहीं है, मेरा ही सौदा है। कुछ देखता हूँ क्या है। ओले की बहुत तेज आवाज़ आ रही है, एक बार मैं ओलों की रिकॉर्डिंग करी हूँ। इडली है, इडली ये है, फ्राइड इडली। भाई वाह। अबे चाय वाय भी भिजवा देते, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ खाने को। एक मिठाई का डिब्बा आएगा बस, और कुछ है ही ना। लो जी बारिश तो रुक गई, लेकिन अभी गड़म गड़म हो रही है। और अभी जो है अंकल जी की तरफ से इनविटेशन आया है डिनर करने का। चलो भाई चलते हैं। आ जा। वैसे इसका बरत है तो पता नहीं डिनर में बरत का कुछ सामान बना होगा कि नहीं बना होगा, और नहीं तो उनकी किचन में जाके अपने आप बना लेगी। क्या अंकल जी क्या बना लिया? जब खाने का टाइम हो तो चुपचाप आ जाओ, बनाओ और खाओ। क्या बना लिया वैसे? क्या आंटी जा देख का क्या बना रही है। मैं तो पहले ही कहा था मैंने घर अपना है, जब मर्जी आओ बनाओ और खाओ। और क्या आंटी क्या बना दिया? सोयाबीन। वाह सेपू बड़ी है। क्या बात, सेपू बड़ी बढ़िया और मेरा व्रत है। तू भी देख ले अपने लिए कुछ बना ले। तू भी क्या बनाना? वो नहीं तो कुछ नहीं बनाना। था दूध नहीं यार, दूध मेरी ड्यूटी थी, वो चले गए गाड़ी वाला। और बोल रहा क्यों नहीं मैं वो कर देती? नहीं तो आलू तू पर अब नहीं खा कैसे इकट्ठी रही हूं। तोड़ दूं 5 मिनट लगेंगे। अरे ना आप नीरज को खिलाओ। क्यों नहीं? सुबह खा लो। लाओ तुम मुझे तो इसको छोड़ दो। ये है जी आलू की और बीन की सब्जी, पता नहीं कौन सी। और ये है सेपू बड़ी। सेपू बड़ी मोस्ट फेमस है हिमाचल में। सेपू बड़ी वगैरह खूब खाते हैं, बढ़िया लगती है सेपू बड़ी। और दीप्ति को भयंकर पसंद है ये। और आंटी ने दीप्ति के लिए बना दिए आलू। बर्ती बिचारी, इनकी बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास हैं, किसी दिन फुर्सत में बैठ के सुनाऊँगा सबको। अभी तो यहाँ से जा रहे हैं। अंकल जी आप कर्नल से रिटायर हुए थे, कहाँ से रिटायर हुए थे? बात है, ये आर्मी में रिटायर हुए थे। कर्नल से, ब्रिगेडियर से, कहां से, मेजर से? पता नहीं बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए थे। ये लगा है, कहां लगा है? ये अंदर लगा है। हाँ, सब नहीं थे। हाँ ये लग रहे अंकल जी के फोटो, ये लग रहे भाई। अभी ये जो है ना संकोच के मारे बता नहीं रहे कि कहां से रिटायर हुए थे। तो इनकी बहुत सारी कहानियां हमारे पास है और हम धीरे धीरे करके कैमरे में सुनाए करेंगे लोगों को। चलो भाई बूंदाबांदी तो रुक गई, बारिश बंद होगी। हाँ देखो जी रूल ये है कि इंसान की बड़ाई करो तो पीठ पीछे करनी चाहिए। बोल हाँ, इंसान की बड़ाई करो तो पीठ पीछे करनी चाहिए। जो अपने मकान मालिक है ना भाई साहब, एक नंबर बहुत बढ़िया आदमी है। उनके सामने तो खैर मेरी मुझसे बड़ाई ना होती है, पीठ पीछे। अब हम अपने रूम में आ गए, अब हम जम के बड़ाई करेंगे। भयंकर एक नंबर बहुत बढ़िया आदमी है। किसी भी दिन कभी भी इन्होंने किराए विराए के मामले में किसी दिन चूचा नहीं करी। कभी ये नहीं कहा भाई देर सवेर कैसे आ रहे हो, जा रहे हो, कितने दिन को, कैसे, क्या, कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं। कई बार तो इन्हें पता भी नहीं होता कि हम यहाँ है कि नहीं है। मतलब हम यहाँ ऊपर हैं तो कई कई महीने तक ही ऊपर भी नहीं आते। तो मतलब अब ये बड़ाई तो क्या, मतलब ज़्यादा मेरे मुँह से निकल नहीं रही, आप समझ जाओ। बहुत बढ़िया एक नंबर। अभी देख लो आंटी ने खाना बना दिया। हाँ, और जीरो डिस्टरबेंस था जब हम रहते थे तो कोई ऐसा लगता ही नहीं था कि मकान मालिक है। हाँ। हमारे कोई यार दोस्त भी आते थे ना तो हम इनको इनके एसी वाले कमरे में सुला देते थे, इन्हीं के एसी वाले कमरे। हाँ। में कि जी हमारे जो यार दोस्त आए हुए हैं। यार बाद में ना बहुत याद आया करेगा हमें ये वाला घर। ये वाला घर तो हाँ, ये घर ना मुझे बहुत पसंद था। नहीं यहाँ आ गया ना एक पॉजिटिव वाइब सी महसूस होती है। हाँ
बहुत ज़बरदस्त। चलो ठीक है जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो ख़त्म। कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगली वीडियो का इंतजार करना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम, राम राम।